ईस्टर्न बिल्डर्स के रूहे रवा मोहम्मद सलीम की जानिब से जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 11वीं 12वीं शरीफ के सिलसिले में महफिल नात का एहतमाम किया गया, जिसमें कराची कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन मोहम्मद नईम काजमी, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान, सईद मुगल, मोइन अख्तर आबिद समेत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। जबकि बाबरकत महफिल में मुल्क के नामवर सनाख्वानों ने जहाँ अकीदत के फूल निछावर किए, वहीं शुरकाए महफिल ने भी दुरूद व सलाम के नजर ने पेश किए। मस्जिदें जो है आबाद आज सदियों से तेरे करम से ही मौला असल हुसैन का है, और यजीदियत तेरे माथे पे जो पसीना है, यजीदियत तेरे माथे पे जो पसीना है, अरे खुदा का खौफ नहीं है, ये डर हुसैन का है। मैं पंच पनी झोली को मेरी भर दी, झोली को मेरी भर दी, वरना इस बाबरकत महफिल के मौके पर मेज़बान तकरीब मोहम्मद सलीम ने बताया कि मेरी दिली कोशिश होती है कि इस तरह की महफिलें जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर सजाई जाएं, जिससे रहमतें बरकतें इस शहर के ऊपर, इस मुल्क के ऊपर नाजिल हों। मेरी अपनी तरफ कोशिश होती है, तमाम मेरे दोस्त अहबाब, मेरे रिश्तेदार सब लोग शामिल होकर इस बाबरकत महफिल में शरीक हों, और इस मुल्क के कराची, शहर कराची के लिए, इस मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ गो हों कि अल्लाह ताला हमारे शहर को महफूज रखे। जबकि कराची कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन मोहम्मद नईम काजमी, अब्दुल रहमान, सईद मुगल, मोइन अख्तर आबिद का कहना था कि हर साल की तरह इस साल भी इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी महफिल मिलाद की सजाई हुई है, बड़े बड़े नाथवान को यहाँ पर बुलाया है और ये जारी है। अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और कबूल फरमाए। अल्लाह रसूल की महफिल है जो हर साल होती है और होनी चाहिए, हर आदमी को हिस्सा लेना चाहिए। प्रोग्राम होने चाहिए ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में, और तमाम लोगों का ना इससे रूहानियत भी बढ़ती है, और इसका नाम क्या है, लोगों को यकजा भी किया जाता है, और तमाम लोगों को करना चाहिए। और सलीम भाई जो हमारे हैं, सलीम भाई ये हर साल इसका एहतमाम करते हैं। बड़ी बाबरकत तकरीब है, बड़ी रौनक होती है इसमें, और बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा एहतमाम किया हुआ, हमें बड़ी खुशी है कि हमारी तमाम बरादरी यहाँ पर आती है। ईस्टर्न ने जो इस महफिल का इनका किया है, माशाल्लाह से ये हर साल होता है, और हमारी जो एक कॉन्ट्रैक्टर बरादरी है उसमें यूनिटी का एक इजहार होता है, और माशाल्लाह से सब लोग हम दुआ गए हैं कि माशाल्लाह ये महफिल जो है हर साल मुनक्किद होती रहे। ये महफिल तो बरकतों वाली है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जो चीज़ें बरकतों की है, बस इस महफिल की तवस्सुल अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे पाकिस्तान पर रहम करम फरमाए और कराची शहर में अमन कायम करे, और ये महफिल कायम करने के लिए हम लोगों को भी अल्लाह तौफीक अता फरमाए, आगे सिलसिले को आगे जारी रखे हम लोग। अल्लाह का बड़ा करम है कि ये ईद मिलादुन नबी और जश्न 11वीं शरीफ के सिलसिले में महफिल दोनों का साथ मिलाकर ही की जाती है, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह तमाम
وہ ان کے سلیم بھائی کے اہل خانہ اور ان کے عزیز و قارب اور اس کے علاوہ تمام دوسرے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، کے ایم سی وغیرہ کے لوگ ہیں اور ان کے کانٹریکٹر حضرات ہیں، اس سب تشریف لاتے ہیں۔ محفل کے اختتام پر ملکی سلامتی اور عالم اسلام کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ کیمرامین ریاض خواجہ کے ساتھ مہتاب حسین، M7 سٹی نیوز، کراچی۔